अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में आज खेले जाने वाले मैच से पहले दोनों टीमों ने स्टेडियम ग्राउंड और प्रैक्टिस एरिया में बैटिंग बॉलिंग का अभ्यास किया। सुबह के समय टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने पहले स्टेडियम ग्राउंड और उसके बाद प्रैक्टिस एरिया में अभ्यास किया। उधर दूसरे सत्र में प्रैक्टिस के लिए पहुंची साउथ अफ्रीका की टीम ने भी खूब पसीना बहाया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 12 मार्च को खेले जाने वाले मैच से पहले दोनों टीमों ने स्टेडियम ग्राउंड और प्रैक्टिस एरिया में बैटिंग बॉलिंग का अभ्यास किया। सुबह के समय टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने पहले स्टेडियम ग्राउंड और उसके बाद प्रैक्टिस एरिया में अभ्यास किया। उधर दूसरे सत्र में प्रैक्टिस के लिए पहुंची साउथ अफ्रीका की टीम ने भी खूब पसीना बहाया। साउथ अफ्रीका ने लगभग 3 बजे तक खूब प्रैक्टिस की, लेकिन इसके बाद बूंदाबांदी शुरू होने से टीम की प्रैक्टिस प्रभावित हुई। 12 मार्च को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में होने वाले एक दिवसीय मैच के लिए हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ का ये मैदान, भव्य सुंदर मैदान, बिल्कुल तैयार है। और इस मैदान में जो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ को जो पूरी तैयारियां करनी थी, लगभग वो तैयारियां हम अंतिम दौर से उन तैयारियों में गुजर रहे हैं। और मुझे लगता है कि 12 तारीख का ये मैच जो होगा ऐतिहासिक मैच होगा। और इस मैच को मैंने पूर्ववत भी बार बार कहा है कि ये त्यौहार के रूप में, और सभी धर्मशाला वासियों से भी और प्रदेश के लोगों से भी और अन्य स्थानों से आने वाले लोगों को भी कह रहा हूँ, क्रिकेट खेल प्रेमियों को कह रहा हूँ कि आप आइए, इस मैच के सफल आयोजन में आप भागीदार बने। और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर जी की जो परिकल्पना थी, ये जो भव्य सुंदर मैदान बना है, इस मैदान में ये जो सफल मैच होगा उसका आप भागीदार बने। मैच पे मेरे हिसाब से किसी प्रकार का कोरोना वायरस का खतरा नहीं है। जो इसके सिक्योरिटी मेजरमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एडवाइजरी से जो हमें करने हैं वो हमने पूरे किए हैं। और उसके साथ साथ इस बार BCCI साउथ अफ्रीका की टीम के साथ भी जो उनकी पूरी डॉक्टर्स की एक टीम आई है, और यहाँ पे हमने पहली बार इस मैच के सफल आयोजन के लिए लगभग 30 लोगों की टीम, और हम ये मान सकते हैं कि एक फर्स्ट एड स्टेशन, 4 यहाँ पे छोटे छोटे कैंप ऑफिसेज, और उसके अलावा 24x7 मैच डे के लिए डॉक्टर्स, ये सारी व्यवस्था हमने की हुई है। और इसके साथ स्टैंड बाई हमने जनरल हॉस्पिटल को या टंडा मेडिकल कॉलेज को भी रखा है। तो इसके मुझे लगता है इसलिए इस बार कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं है, और हिमाचल प्रदेश में ऐसा कोई मरीज भी नहीं है। देखो, ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के नाते जो हमें इस मैच के इस हमें ग्राउंड के लिए मैदान के लिए हमें जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, जो ICC स्टैंडर्ड के ऊपर होता है, वो सारे वो हमारे पास मापदंड पूरे हैं। उस अनुसार हमें कोई समस्या नहीं है, ना कोई किसी प्रकार की कोई मुश्किल आएगी। तो मुझे लगता है कि ऐसी उसमें कोई संभावना तो नहीं है। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी प्रदेश की गतिविधियां।